डुमरी उपचुनाव के लिए धनबाद पहुंचे राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के द्वारा किए गए विकास कार्यों की वजह से डुमरी की जनता पूर्व शिक्षा मंत्री के परिवार के साथ है। आज डुमरी में माहौल ऐसा बन गया है कि आरएसएस का कैडर भी बेबी देवी के समर्थन में प्रचार कर रहा है। मंत्री से बात की हमारे संवाददाता शरद चंद्र ने। वहाँ पर उपचुनाव की बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह टाइगर जगन्नाथ महतो वहाँ काम किए 17-18 साल, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा और उसके नाम पर श्रद्धांजलि स्वरूप सब उनको वोट दे रहे हैं। यहाँ तक आप देखे होंगे कि आरएसएस का एक केडर जो बोला मैं कट्टर आरएसएस हूँ लेकिन इस बार बेबी देवी को वोट दूंगा। पिछले वर्ष जो है, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आजसू और भाजपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, इसका फायदा निश्चित रूप से जगन्नाथ महतो जी को मिला होगा, लेकिन इस बार ये दोनों संगठन जो है माने एनडीए के रूप में ये संगठन लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या नहीं लग रहा है कि कुछ असमंजस की स्थिति है? नहीं नहीं, तो इधर भी मेरा भी तो वोट बड़ा है। अभी जो अभिषेक जी का पार्टी है जो जो उस वक्त 25,000 वोट ले आए थे, इस बार वो वहाँ माहौल बदल गया तो वो ऐड होगा, मेरा सहानुभूति वोट 10-15 हज़ार ऐड होगा। आप दो जमात, पहले दो जमात वहाँ लड़े थे, उसमें एक जमात को टिकट मिला, तो एक जमात तो नाराज है। इरफान अंसारी जी जो है, हालांकि वो कांग्रेस से आते हैं लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से बाबूलाल जी के बारे में कहा और आदिवासियों के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान आपकी पार्टी को होगा या नहीं? वो उनका व्यक्तिगत बयान था, उससे हम लोग को लेना देना नहीं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी का पार्टी, उसके बाद उसमें दूसरा जमात जुटा, महतो जुटा, मुस्लिम जुटा और सारे जो जमात हैं और जात हैं वो जुटे हैं, तो वो बोले हैं उनको उनको फ़र्क पड़ेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को फ़र्क नहीं पड़ेगा। AIMIM भी वहाँ पर जो अपना कैंडिडेट दिया है डुमरी में, उसका कुछ लग रहा है कि उसका कुछ परिणाम निकलेगा या फिर उससे कुछ फर्क पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को? कुछ उसको आएगा ना तो आप लोग के चलते आएगा, मतलब कि आप लोग वहाँ जो टक्कर है उसके बारे में तो आप बोलते नहीं हैं, ले देखिए MIM ने कौन चीज़ है उसको बोलते हैं। वहाँ टक्कर यशोदा देवी, बेबी देवी वर्सेस यशोदा देवी है, तीसरा कोई नहीं है, लेकिन आप लोग लगे हैं कि किसी तरह MIM को आगे करें, किसी तरह दूसरा नहीं। आप सभी का लोकप्रिय न्यूज चैनल भारत न्यूज 24 अब सिटी केबल 230, GTPL 247, NXT डिजिटल 130 और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज ही अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें।